वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज संडे हो गया है और संडे स्पेशल ब्लॉग आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो सुबह के 11 बजने वाले हैं, मैं रेडी हो गई हूँ। आज इतनी तेज धूप आई है ना, ऐसा लग रहा है जैसे मार्च अप्रैल का महीना चल रहा है। इतनी तेज धूप और इतनी गर्मी हो रही है सुबह सुबह। और आज हम घूमने जा रहे हैं कहीं, तो दिव्या का भी कॉल आया था। वो लोग कहीं उत्तरायणी का एक फंक्शन होता है वहाँ जा रहे थे, लेकिन वो उनको 10 बजे निकलना था और हम लोग तो 9 बजे, मतलब ये लोग 9 बजे सो के उठे हैं, 8:30-9 बजे। तो फिर काम करते करते लेट हो जाता है। अभी भी आधे अधूरे काम किए मैंने, लेकिन हमने सोचा हम घूम के आते हैं, थोड़ा सा कहीं आउटिंग करके आएंगे। लास्ट वीक भी हम घर पे थे तो आज वेदर भी अच्छा है, थोड़ी सी घुमाई भी हो जाएगी क्योंकि नोनी इस बीच बीमार हो गया था। अब उसका कफ ठीक है, कोल्ड भी ठीक है। मेरा भी कोल्ड कफ थोड़ा सा ठीक है, बेटर है, लेकिन वॉइस इम्प्रूव होने में टाइम लगेगा। तो बाल एकदम गीले थे तो मैंने इसको हेयर ड्राई कर लिया और मैं रेडी हो गई हूँ। मैं ये अप्लाई करती हूँ आजकल, जैसे कभी कुछ फंक्शन हो गया या फिर कहीं जाना होगा तो ये वाला बीबी क्रीम मैंने लिया हुआ है फेस पे अप्लाई करने के लिए। इसको मैं क्रीम के साथ मिला के अप्लाई कर लेती हूँ और बस ये मेरा मेकअप होता है सिंपल सा। चलिए अब रेडी होता है, हस्बैंड कब से वेट कर रहे हैं बाहर। और मैंने कपड़े वगैरह वॉश कर लिए थे, सारे काम तो हो गए। थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन ठीक करना है, ठीक करना है मतलब कपड़े वगैरह रखने हैं अच्छे से, वो काम तो बाद में होते रहेंगे वहाँ से आने के बाद। उन्होंने स्वास्तिक से मिला देती हूँ, इसने न्यू कपड़े पहने हैं और ये वाले कपड़े एकदम ठीक है, इसके कॉटन की शर्ट इसकी। तो मेरी तरफ से आप सबको लोहड़ी की, मकर संक्रांति की और पोंगल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम लोग भी गुगुतिया का त्यौहार मनाते हैं, आज मनाते हैं और माँ के महीने, कल से माँ का महीना लग जाएगा, पवित्र महीना मानते हैं माँ के महीने को। तो आज हमारे यहाँ गुगुतिया खजूरें बनाते हैं, तो शाम को मैं बनाने वाली हूँ, उसके लिए सारी तैयारी भी मैंने करके रखी हुई है। तो चलिए फिलहाल थोड़ा सा घूम के आते हैं, इसीलिए मेरा प्लान था कि सुबह घूम के आते हैं, शाम को मुझे गुगुतिया बनाने हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं, कहाँ जाएंगे बेटा? यहाँ सर्दी के मौसम में भी इतने मच्छर आते हैं, देखो रात को भी मुझे मच्छर दिख रहा था, इसने एक काट दिया यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, दो जगह नोनी को मच्छर ने काट दिया। टाइम में यहाँ मेट्रो भी चलने वाली है ऊपर, और मेट्रो में बैठने को मिलेगा हमें। नोनी हमेशा पीछे बैठने की जिद करता है, आज मैंने पीछे नहीं बैठने दिया इसको, लेकिन आगे बैठता है आगे भी मुसीबत ही कर देता है ये। मेघदूत गार्डन के बारे में मैंने बहुत सुना था और बहुत टाइम से जाने का मन भी हो रहा था, लेकिन जा नहीं पाए थे। थैंकफुली मेघदूत गार्डन जो है खुला है और हम लोग आ गए। पार्किंग मिल जाए अच्छी जगह पे जल्दी से, फिर उसके बाद घूम के आते हैं बढ़िया से। देख कितनी सारी शॉप्स लगी हुई है, देखो साइड ही चल रहे हैं हम, यहाँ कोई आ नहीं रहा है। वो पार्किंग आगे होगी, सारे स्टॉल्स अभी बंद है, लेकिन देखो कितनी बड़ी मार्केट है यहाँ पे, फास्ट फूड वगैरह की कितनी बड़ी शॉप्स है। साबुदाना खिचड़ी बहुत मिलती है इधर साइड, मैंने एक चीज देखी है। और हाँ उन्होंने सब रिपीट करना है, पराठा पॉइंट, लेकिन हम ब्रेकफास्ट करके आए हैं और कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है अभी। सबने कार इसी तरह से पार्क किया है, यहाँ पर फ्री पार्किंग है। और ये पानी की बोतल हमारे पिछले 2 हफ्ते से कार में थी, तो मैंने पानी इसका चेंज किया है, दूसरी बोतल लेके आई थी मैं, ये ना ठीक रहती है हैंडी हाथों पकड़ने के लिए। अभी बहुत तेज़ धूप है, अभी हमें जाना है पैदल चल के आगे और वहाँ से हमें टिकट लेना पड़ेगा। गार्डन के अंदर आ गए हम लोग और एकदम शांति है, अभी बहुत कम लोग आए, आगे झूले भी हैं बहुत सारे। वाह बच्चों के लिए कितने अच्छे ऑप्शन है यहाँ पे। एक पर्सन का टिकट सिर्फ 10 रुपये है, तो 20 रुपये की टिकट, नोनी का तो टिकट लगा ही नहीं, मतलब काफ़ी शांत जगह है। और वीकेंड में बहुत शाम, मतलब शाम शाम के टाइम पर भीड़ होती होगी, सुबह हम लोग आ गए ना तो उतनी भीड़ नहीं है। नोनी को आज हम खूब सारे झूले झुलाएंगे और मुझे भी झूल लें यहाँ पे। पा इसको झुलाओ झुलाओ, वो नोनी को इतने बड़े वाले झूले में झूलना है। अरे
जहाँ पार्क में लेके जाती थी वो छोटा वाला था, ये बहुत बड़ा है। पकड़ो इसको पापा, पापा को फोन ही खत्म नहीं होते। नौनी गिरना नहीं है, मुझे डर लग रहा है तुझे देख के। पा बोतल नीचे रख दो नौनी, इतने पर आराम से छोड़ो, धीरे धीरे। इसको छोटे वाले झूले की प्रैक्टिस है, इतने बड़े वाले स्लाइड की नहीं। हाँ आ गया नोनी, पैर अंदर घुस रहे हैं। नोनी पैर सीधे करो। हाँ अच्छे से बैठो बेटा। और तेज नोनी, और तेज। नोनी आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? कैसा लग रहा है, झूला झूल के अच्छा लगा? आओ कहाँ चले, कहाँ जाना? झूला झूला, नोनी को झूला ही झूलना है। चलो कितना बड़ा गार्डन है, हम लोग घूम ही रहे उस टाइम से। और बस फिनिश हो गया नोनी, और पीना है। चलो जूस पी लिया और हमने अपने लिए छोले समोसे ऑर्डर किया है। इसके बाद मुझे पानी पीना है। बारह बज गया, हम काफी देर गार्डन में घूम के आए, गोलगप्पे वगैरह खाए। गोलगप्पे इतने गरम गरम थे, कुछ ज्यादा मजा नहीं आया खा के, लेकिन छोले अच्छे हो रहे थे। नोनी यहाँ पे, और अब हम जाते हैं घर। गर्मी ऐसी हो रही है ना यहाँ पे, मतलब दोपहर का टाइम है और लग नहीं रहा कि जनवरी का महीना है यहाँ पे, मार्च अप्रैल का जैसा ऐसा लग रहा है। बहुत गर्मी हो रही है आजकल। करीबन एक बजे के आसपास हम लोग घर पहुंचे थे, और आते ही मैं किचन में लग गई और सबसे पहले लंच की तैयारी करेंगे। मैं पालक वॉश करके गई थी, क्योंकि पालक दो तीन दिन से रखी थी वो सूख जाती है फिर रखे रखे, तो इसलिए आज मैं पालक की कढ़ी या फिर झोली कह लो वो बनाने वाली हूँ पहाड़ी स्टाइल में। तो यहाँ पर मैंने पालक मैंने फ्राई कर ली थी, तड़का लगा लिया है, ऊपर से दही का बैटर ऐड कर लूँगी बस। ये हमारी झोली जो है 10 से 15 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। और इसके बाद हमने सिंपल सा लंच किया था, झोली भात कहते हैं हमारे यहाँ पहाड़ी में इसको, और बहुत मज़ा आया खाना वाना खा के। तो अभी हम इवनिंग टाइम में आ गए हैं, करीबन 4 बज रहे हैं, और मैं थोड़ी देर सो के उठी थी, और यहाँ पे कपड़े जो सूखे हुए थे इनको उठा लूँगी। यहाँ पे काज काफ़ी सारे सॉक्स हो गए थे, और क्योंकि मशीन में ड्राई करती हूँ तो जल्दी सूख जाते हैं आजकल, तो सारे कपड़े उठा के अंदर रख दूँगी। और उसके बाद तैयारी करेंगे गुप्ते बनाने की। तो वैसे आज पूष का महीना है और आखिरी दिन है उसका, तो पूष के महीने के आखिरी दिन में ही हमारे वहाँ घुघते बनाए जाते हैं, और फिर नेक्स्ट माघ के महीने में उसको फिर कौवे को रोटी खिलाते हैं। तो इसके ऊपर हमारे पहाड़ी में कहावत भी है, काले कौवा पूष की रोटी माघे काले, तो इस तरह से कहावत है। तो उसके लिए मैंने नॉर्मल टेम्परेचर का दूध लिया है, इसमें खूब सारा शुगर ऐड किया है,
इसमें ना वैसे गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, गुड़ या उसको घोल के अच्छे से, लेकिन अभी मैं सिर्फ शुगर वाला ही बना रही हूँ और उसको घोलने के लिए रख दूंगी। फिलहाल दूसरी तरफ मैं धुले हुए बर्तन ऑर्गेनाइज करूंगी सबसे पहले। शाम के 4:30 बज गए हैं और मैं आज 1 घंटा सोई हूँ क्योंकि कफ सिरप पी रही हूँ ना, कफ सिरप की वजह से नींद आती है, तो इतनी नींद आ रही थी। कल रात को भी बहुत नींद आई, कल दिन में भी बहुत नींद आई, आज भी नींद आई। तो अब मैं घुघते बनाना स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे चीनी मैंने मेल्ट करके रख दी है और नोनी अभी उठाई है तो उसको मैंने अनार पील करके दे दिया वहाँ पर बैठा, और नोनी के पापा अभी सो ही रहे हैं, उठेंगे उसके बाद ही चाय बनाऊँगी। तो फटाफट से आटा लगा के तैयार कर लेती हूँ। और सुबह सुबह ही मैंने हस्बैंड से सामान मंगा लिया था, ये गुड़ है एक्चुअली। पिछले बार जो गुड़ मंगाया था ना मैंने, वो अजीब सा काला काला जैसा लग रहा था, मतलब काला काला है वो, उसका टेस्ट प्रॉपर नेचुरल गुड़ जो होती है ना उसकी तरह नहीं था, वो मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा था। एक रिफाइंड ऑयल फ्राई करने के लिए गुगदे वगैरह, और ये वाला गुड़ लेके आया है डी मार्ट से, अभी दिखाती हूँ। तो ये है गुड़, करना किसी डब्बे में तोड़ तोड़ के रख दूँगी ताकि ना फटाफट से निकालने के लिए ठीक रहता है। तो नोनी को लेके उसके पापा चले गए हैं पार्क में घूमने के लिए। मैंने कहा थोड़ी देर उसको घुमा के ले आओ क्योंकि घर में भी वो काम नहीं करने देता और अंदर ही अंदर परेशान रहे, उससे अच्छा है कि थोड़ा घूम के आ जाए, खेल कूद के अच्छा लगेगा। तो अब मैं घुघुते बनाने की तैयारी शुरू करती हूँ। और दूध में जो चीनी मैंने डाली थी अच्छे से मेल्ट हो गई है, तो इसमें मिठास आ जाती है एक तरह से। तो यहाँ पे घुघुते और खजूर बनाने के लिए मैं आटा तैयार करूँगी। तो ये गेहूँ के आटे से बनता है, बहुत सिंपल होता है लेकिन बहुत टेस्टी होता है। जैसे लास्ट मंथ ना हम लोग जब घर से आए थे तब मदर इन लॉ ने भी बनाया था और वो अभी तक भी चल ही रहे थे हमारे, चाय के साथ हम खाते थे, काफ़ी अच्छे होते हैं चाय के साथ। तो यहाँ पे करीबन 2 से 2.5 कप मैंने आटा लिया है और उसमें 7 से 8 बड़े चम्मच मैंने सूजी ऐड किया है। सूजी इसमें ज़रूर डालनी पड़ती है, इससे खजूर जो है ना काफ़ी कुरकुरे से बनते हैं, अच्छे लगते हैं, क्रिस्पी। उसके अलावा मैंने इसमें सौंफ डाली है, सौंफ से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। और इसके अलावा मोयन के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ घी, तो घी की जगह रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, और घी भी, तो घी से बहुत अच्छा टेस्ट फ्लेवर लेके आएगा, इसलिए मैंने काफ़ी सारा घी इसमें ऐड किया है। घी को मैंने पहले ही मेल्ट करके ठंडा कर लिया था अलग से, और बस इसको मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। और तब तक मिक्स करना है जब तक घी इसमें अच्छे से मुट्ठी नहीं बनने लगती है, और सेम मटरी बनाने की प्रोसेस है ये। बस डिफरेंस इतना है कि मटरी नमकीन होती है और ये मीठा होता है। तो बस यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गया है, 4-5 मिनट मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया था और इसका टेक्सचर भी आप देख सकते हैं टोटली चेंज हो गया। तो इसको गूंदने के लिए मैं दूध का यूज़ कर रही हूँ और इसको दूध में ही गूंदा जाता है। और इसकी एक खासियत होती है ना, दूध में गूंदने के बाद मतलब कितना भी इसमें दूध डाल के गूंथो ये कभी भी गीला नहीं होता है। तो मैंने काफ़ी सारा दूध डाल के इसको गूंदा था और काफ़ी सॉफ्ट डो बना के तैयार किया था। तो बस इसको रेस्ट पे नहीं रखना है, मैं सीधा इसको फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे ऑयल लेंगे कढ़ाई में, ऑयल गर्म करूँगी और उसके बाद सबसे पहले मैं बनाऊँगी घुघुते और उसके बाद फिर मैं खजूर बनाऊँगी, क्योंकि घुघुते बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जब तक ऑयल गर्म होगा 4 से 5 मिनट में मैं घुघुते बनाऊँगी। तो घुघुते मैं बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, सिर्फ माला के लिए, और बाकी सारे मैं खजूर बनाऊँगी। तो घुघुते कुछ इस तरह से अलग अलग शेप के बनते हैं, तो मैं इस तरह से बनाऊँगी। और उसके अलावा कुछ चक्री बनती है, डमरू बनते हैं हमारे वहाँ अलग अलग शेप के, बच्चे काफ़ी खुश रहते हैं। हमें बचपन में याद है मेरे दादा दादी बनाया करते थे अलग अलग शेप के, तो इतनी खुशी होती थी ना, हम लोग माला पहनने के लिए नेक्स्ट डे सुबह जल्दी उठ के नहा धो के तैयार हो जाते थे, हमें माला पहनने को मिलेगी। तो उन दिनों की रौनक और इस त्यौहार की जो एक्साइटमेंट होती है ना, वो बहुत ही अलग लेवल की होती है। तो बस यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया है, सबसे पहले एक रोटी मतलब पूरी बेल के मैं कौवे के लिए फ्राई करके निकाल लूँगी अलग से, और उसके बाद सबसे पहले घुघुते फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। और फ्लेम यहाँ पे हाई नहीं रखना है, एकदम फिर जलने लगता है, बस इसको लो मीडियम फ्लेम पे 5-7 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है, थोड़ा से डार्क ब्राउन होने तक। और उसके बाद धीरे धीरे करके इनको निकालूँगी और फिर मैं खजूर भी बनाऊँगी साथ के साथ ही। ये बन गए हमारे घुघुते और खजूर, इस तरह से मैंने स्प्रेड कर दिया ताकि ये ठंडे हो जाएं। उसके बाद फिर इसको एक कंटेनर में करके रख दूँगी। ये पूरी जो है हम कल मॉर्निंग में कौवे के लिए रखेंगे। तो हमारे वहाँ इसी तरह से मकर संक्रांति बनाते हैं, कौवे को रोटी खिलाते हैं, तो उसके लिए पूरी आज मतलब एक दिन पहले बना के रखते हैं।
कुछ खजूरें और घुघते रख दूंगी और एक माला बनाएंगे। बच्चे ना माला बना के पहनते हैं गले में, बीच में एक संतरा लगा के, हम लोग भी करते थे बचपन में इस तरह से। अभी ये गर्म गर्म है तो नोनी के लिए एक माला मैं बनाऊंगी। एक प्रॉब्लम है कि कौवे यहाँ नहीं आते, मैंने आज तक यहाँ किसी कौवे को नहीं देखा है। तो कौवे के नाम की रोटी रख देंगे बालकनी के बाहर, चाहे कोई भी खा ले। तो बस ऐसे ही होता है, कौवे वैसे भी आजकल बहुत कम देखने को मिलते हैं ना, बस कौवे के नाम की रोटी रख लेते हैं। और उसके बाद फिर अभी देखो किचन का मेरा बहुत बुरा हाल है, अभी किचन समेटती हूँ मैं। नोनी आधा एक घंटा अपने पापा के साथ पार्क में घूम के आया और अभी बाहर बालकनी में बैठा हुआ है। इसके बाद मैं बालकनी में आ गई हूँ। यहाँ पे ना हस्बैंड से मैंने कुरकुरे मंगाए थे, कभी कभार ऐसी चटपटी चीज़ें खाने का बड़ा मन करता है। तो चाय नहीं बनाई थी मैं, सिंपल कुरकुरे खा रही हूँ। और उसके बाद हम लोग अंदर आ गए हैं, अंधेरा हो गया था अभी और मैंने दिया जला लिया था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, काम करेंगे। हस्बैंड को मैंने गुड़ दिया था तोड़ने के लिए, टुकड़े टुकड़े करके वो कंटेनर के अंदर रखेंगे। और दूसरी तरफ नोनी के लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे घुघते की माला। नोनी की माला बन गई घुघते की, कल सुबह नहाने के बाद नोनी पहनेगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गए। तो यहाँ पे चल रही है ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो आज मैं मेथी के पराठे बना रही हूँ। तो सबसे पहले आटा गूंथ के रख लूँगी, अभी मैंने नहा लिया था, बस मुझे पूजा करनी थी तो मैंने सोचा उससे पहले आटा लगा के इसको रख देती हूँ मैं रेस्ट पे। वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह के 9:15 बज गए हैं और मैंने सुबह नहा लिया था। आज है घुघुती तो मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी घुघुती। और नहा के मैं रेडी हो गई हूँ, मंदिर मैंने क्लीन कर दिया, दियावती करनी है। उससे पहले फिर मैंने आटा गूंथ लिया, मेथी के पराठे बनाऊंगी आज मैं और सेवई की खीर भी बनाने वाली हूँ। और दूध आ गया होगा बाहर से, अभी लेके नहीं आई हूँ मैं। नोनी और उसके पापा करीबन 8 बजे उठे थे तो अभी उसको नहला रहे हैं, उसको वो दोनों भी रेडी हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैं दियाबत्ती करती हूँ, टीका लगाएंगे और फिर कौवे के लिए रोटी रखनी होती है तो हम अपनी बालकनी से बाहर रख देंगे। और आज ग्रोसरी भी लानी है क्योंकि आटा वगैरह ख़त्म हो रहा है और हस्बैंड जा रहे हैं ऑफिशियल टूर पे। तो फिर ऐसा होता है ना, मैं नोनी को लेके जाऊँ और इतना सारा सामान लेके आऊँ, बहुत दिक्कत रहती है। नोनी कुछ करने नहीं देता है, वहाँ इधर उधर भागता है। और वैसे भी डी मार्ट गए तो टॉय सेक्शन में ही चला जाता है और वहाँ से लाना उसको बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं आजकल नोनी के साथ अकेले डी मार्ट नहीं जाती हूँ, तो जब भी जाते हैं हम लोग साथ में जाते हैं। तो इसके बाद नोनी नहा के आ गया था, इसके कपड़े भी मैं धूप में ले आई थी। और यहाँ पे बड़ा मज़ा आता है नहाने के बाद, धूप में बैठो ना अच्छा लगता है, नोनी को भी अच्छा लगता है धूप में बैठना नहाने के बाद। तो बस यहीं पे उसको ऑयलिंग करके कपड़े पहना दिए थे। और उसके बाद किचन में आते हैं तो कुछ मीठा बनता है आज के दिन, तो यहाँ पे मैं सेवई की खीर बना रही हूँ। चावल की खीर बनाने वाली थी लेकिन चावल सोक करना मैं भूल गई थी, तो इसलिए जल्दी जल्दी वाली सेवई की खीर यहाँ पे बन रही है। तो यहाँ पे नोनी और उसके पापा रेडी हो गए थे और हमने टीका लगा लिया है। हैप्पी घुघुती बोलो। हैप्पी घुघुती। तो ये कौवे की रोटी रखते हैं हम लोग। अब नोनी ने माला तो पहन ली है, अब बारी है कौवे को रोटी खिलाने की। तो कौवे के हिस्से की रोटी हम यहाँ पे रख देते हैं विंडो से बाहर, नोनी रखेगा ठीक। तो कुछ इस तरह से हमारे यहाँ मकर संक्रांति का त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो हमने भी बहुत सिंपल तरीके से त्यौहार सेलिब्रेट किया है और आई थिंक इस घर में हमारा ये पहला फेस्टिवल है, क्योंकि लास्ट टाइम जितने भी फेस्टिवल्स थे हम सब घर में सेलिब्रेट करके आए। तो बस यहाँ पे ब्रेकफास्ट हो गया था और मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ शॉपिंग करने के लिए, मतलब डी मार्ट जाने के लिए। उससे पहले कपड़े मैंने वॉश करके ड्राई किए थे तो बस इनको मैं धूप में डालना बिल्कुल नहीं भूलूँगी, क्योंकि अभी अच्छी धूप है तो 2-3 घंटे में जल्दी से सूख जाएंगे। तो हम आ गए हैं डी मार्ट और एकदम खाली खाली है, तो हम शॉपिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्होंने की शॉपिंग हो चुकी है, ये देखो जेम्स, इसमें 1 get 1 फ्री है तो मैंने ले लिए। ये अच्छी लगती है छोटी छोटी गोली खाने में ना। अभी नहीं खोलना है, बस सोने की जिद होती है कि यहाँ भी खोलना है, बिना बिलिंग के हम कैसे खोल सकते हैं। आगे चलो। बज रहे दोपहर के 12 और हम लोग डीमार्ट से करीबन 11 बजे आ गए थे। तो उसके बाद मैंने सबसे पहले राजमा चढ़ा दिए बॉईल होने के लिए, इसमें तड़का लगाना है, राजमा बॉईल हो गई है। हस्बैंड को मैंने अभी भेजा है अनार लेने के लिए और खीरा, ये दो चीज़ें ख़त्म हो रही थी और नोनी भी उन्हीं के साथ चला गया। तो मैं तड़का तैयार करती हूँ, नोनी को अनार पील करके मैंने खिला दिए थे। तो डीमार्ट से हम काफ़ी सारी ग्रोसरी
महीने का सामान जो है वो ले आए। आटा वाटा ख़त्म हो रहा था ना इस वजह से, तो सामान जो भी हम डीमार्ट से लेके आए थे वो सब ऐसे रखा हुआ है एज इट इज़, वो मैं बाद में रखूँगी, ऑर्गेनाइज करूँगी। तो यहाँ पे तड़का रेडी हो गया है। राजमा मैंने काफ़ी अच्छे से बॉईल कर लिए थे, एकदम गल गए। तो ये वाइट वाले राजमा हैं जो मैं डीमार्ट से लेके आई थी, और ये टेस्ट वाइज भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। लेकिन ना जो राजमा हमने घर में खाए थे मेरे ससुराल में, मायके में जो घर के राजमा थे ना, उसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा था। तो वहाँ जैसा टेस्ट तो नहीं होता है इस वाले राजमा में, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो बस ये हमारी सिंपल सी लंच थाली और पापड़ और साथ में सैले। मनी से बाय बाय। अभी दोपहर के 2 बज गए हैं, हस्बैंड की फ्लाइट ना आज 1 घंटा लेट थी, तो अभी निकले हैं वो एयरपोर्ट के लिए। तो 5 बजे की फ्लाइट थी, अभी उनकी 6 बजे की फ्लाइट है। उनके पीछे पीछे लगता है ना कभी कभी जाते टाइम, तो पापा ने बोला मैं लॉलीपॉप लेने जा रहा हूँ, ड्यूटी जा रहा हूँ, लॉलीपॉप लेके आऊँगा, इसलिए ये माना। और अभी खेल धोनी को दिखाओ भाई। तो धोनी बलून के साथ खेल रहे हैं अपने, और हमारा सारा काम हो गया है, लंच करके किचन क्लीन कर दिया है, मैं सारे काम से फ्री हो गई हूँ, और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई थिंक ये बहुत बड़ा ब्लॉग हो गया है, तो मिलते हैं नए और बहुत ही अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।